हालेंडी सबसे तेज बिका है, 480 तक रुपए। नहीं फेंका तो नहीं जाएगा, आलू ज्यादा है, खपत भी ज्यादा होती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं समाज की नजर। आज हम इस समय मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत आता है नाजिमो क्षेत्र में किसई जगदीशपुर, और यहाँ पे लक्ष्मी कोल्ड स्टोर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के मालिक साहब मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आज आलू का अपडेट क्या है और आलू का क्या भाव है और कितनी कन्नौज जिले में निकासी हो चुकी है उसके अपेक्षा। अगर यहाँ इस कोल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी निकासी हो चुकी है, क्या अदर स्टेट से अगर देखा जाए, अदर डिस्ट्रिक्टों से अगर देखा जाए तो क्या आलू की निकासी अभी कम चल रही है, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मालिक साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हम जानना चाहेंगे सर, अभी तक अगर देखा जाए तो अपने कोल्ड स्टोर की क्या निकासी है? 45,000 पैकेट निकल चुका। कितनी सर कैपेसिटी है? 2,40,000। अच्छा सर, तो अगर देखा जाए सर कि पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि आलू की निकासी में कुछ बढ़ोतरी हुई है या फिर आप मौसम खुला होने के कारण कुछ गिरावट? खुला होने का बढ़ोतरी तो ये मेन चीज है, मौसम खराब होने की वजह से किसान नहीं आ पाया कोल्डो में, क्यों मक्का मूंगफली में लगा रहा वो लोग। अब जैसे ही मक्का मूंगफली से फुर्सत होगा तो कोल्डो में भीड़ लगेगी, अभी तो कमी आ रहा किसान। अच्छा सर, जो आलू का अगर भाव हम बात करें तो कौन सा आलू है ऐसा जो सबसे टॉप भाव में अभी बिक रहा है? हालेंडी सबसे तेज बिका है, 480 तक बिका है, 480 रुपए पैकेट आज सर अपने यहाँ 480 तक। हाँ, 480 तक बिका है। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर चिप्सोना की अगर बात करें इधर क्षेत्र नहीं है। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं कंचन और सिंदूरी वगैरह, सिंदूरी 370 रुपए बिका। अच्छा, 370 रुपए। हाँ, और सर अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि कुछ पिछले कुछ दिनों में आलू की गिरावट आई है या फिर आलू में कुछ उछाल देखने को मिली है? नहीं, वही रेट चल रहे हैं, कोई 10-20 रुपए तेजी मंदी आती है, कोई खास अंतर नहीं पड़ा है। सर, जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता भी लगा है और सभी का अनुमान यही कह रहा है कि हर साल की अपेक्षा इस साल जो आलू है वो कहीं ना कहीं हर कोल्डों में ज्यादा है, तो क्या लगता है कि कई किसान जो ऐसे दुविधा में फंसे हुए हैं कि उनको आलू उनका मतलब फेंका जाएगा या क्या किया जाएगा, तो उस पर क्या सर आपकी राय? नहीं फेंका तो नहीं जाएगा, आलू ज्यादा है, खपत भी ज्यादा होती है, फेंकने के तो अनुमान कम है। अब लास्ट तक जो रुका रहेगा तो लास्ट में तो चाहे कितनी तेज बिके या मद्दा बिके, लास्ट में तो फेंकते ही फेंकता है, थोड़ा बहुत आलू हर कोल्ड से फेंकते ही फेंकता है, लेकिन अभी तो अनुमान नहीं है फेंकने का। क्या सर, जो किसान भाई हैं, जो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक 500 पैकेट जिसका पड़ा है उसने एक भी पैकेट नहीं बेचा है, वो सोच रहा है कि हम आगे बेचेंगे, उनको क्या सर सलाह देना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत कम किसान है, लगभग में जिनके पास जिनका 2,000 या 3,000 कट्टा पड़ा है आधा आधा लगभग बेच लिया है, जिसका 500 पड़ा है वो 200 बेच चुका है, ऐसे तो 10-5 किसान भले ही हो जिन्होंने नहीं बेचा हो, बहरहाल थोड़ा थोड़ा सभी बेच चुके हैं। और सर उनको कोई संदेश देना चाहेंगे जो कि अपने किसान नियर बाय किसान भाई हैं? देखो, आलू के रेट सही चल रहे हैं तो आलू बेचना चाहिए, और आलू अगर निकलता रहेगा तो रेट अच्छे बने रहेंगे, और अगर नहीं निकलेगा तो रेट तो फिर आगे मद्दा हो ही सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, क्या एवरेज के तौर पर अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना अभी पैकेट निकल लें? वही है, 1,000 पैकेट किसी दिन निकल जाता, किसी दिन 500 निकल जाता, किसी दिन 1,500 निकल जाता, इससे वो नहीं निकल रहा है। अच्छा सर, अपने यहाँ जो कच्ची फसल के जो किसान भाई होते हैं उनकी बुआई अधिकतर होती है, तो क्या सर लगता है उसकी निकासी कब से स्टार्ट हो जाएगी? तारीख से होने लगेगी निकासी। हाँ, उस टाइम तो तेजी तो होगी क्योंकि किसान तो सब निकालेगा, इधर कच्चे का ही सब कच्चा आलू सब करते ही है, यहाँ पे ये क्षेत्र ही है कच्चे आलू का, तो निकासी उस टाइम तो तेज होगी होगी, अगले महीने से 10 तारीख से आलू खूब निकलने लगेगा कच्चा के लिए। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा और आज का अगर ये अपडेट देखा जाए तो आज कन्नौज के टॉप भाव अगर यहाँ देखा जाए तो कन्नौज के आलू का जो आज टॉप भाव इस कोल्ड स्टोर में बिका है आलू, न्यू हाईलैंड अगर उसका भाव बात करें हम तो 480 रुपए तक यहाँ पे आलू का भाव बिका है, तो कुल मिला के सर ने तो ये बताया जो सबसे अच्छा आलू है वो 500 रुपए तक बिका है। आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में और आपके कोल्ड स्टोर में आज का क्या भाव है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।